कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, डीटी ओडिया तरफ प्रायोजित आज अनुचिंता कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आपणकर प्रति प्रभात को सुंदरमय मंगलमय उत्साहमय करने डीटी ओडिया अनन्य प्रयास आज अनुचिंता। तेज आज कार्यक्रम गोटे सुंदर कथाटे आम शुणा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्। महात्मा पंडित चाणक्य कहले, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम् किं करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्। जहार निजर बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, सी गुड़ाए शास्त्र अध्ययन करदे भी किसी बुझीपर नहीं, सब प्रति कथार उल्टा पल्टा अर्थ बाहर कर। लास्ट को शास्त्र को शेष को कौन हुए ना शास्त्र को निंदा कर आरंभ कर। जमी उदाहरण दूसरी किमिति ना लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किं करिष्यति। जहार जी जन्मरु नेत्र विहीन सी जदि सुंदरिया दर्पण आगे ठिया ही पड़े कौन बा कर, सी तो निजकू तार तो नेत्र विहीन ते दर्पण को ही देखी पारु नाई, एवं दर्पण मध्यम निजर छवि को केमती देख। तेणु सेमती आमे प्रथमे निजर बुद्धि विवेक ठीक रखा दरकार, तापर शास्त्र अध्ययन करवा दरकार। शास्त्र प्रति वाक्य को मर्म को एवं प्रति प्रसंगर प्रकृत अर्थ आम बुझीपर, नहले शास्त्र को दोष दवा शास्त्र निंदा करवा यही सार वस्तु हुए, एवं परवर्ती समय आम ही निंदित एवं भगवान दरबार से दंडित हो। यी गोटे बढ़िया कथाटे मन पड़े, जड़े महात्मा थिले, तांको आश्रम प्रतिदिन किछि किछि दिन सत्संग हुए, सुंदर सत्संग मान सब अनुष्ठित हुए, एवं किछि लोक आसंती प्रतिदिन महात्मा ठूँ भगवान कथा टिके प्रवचन टिके शुणी। एमती दिनकर घटना सुंदर भाव प्रवचन चली थाए, एवं दूर दूरांतर सब लोक आसी था, जे पाख आखर लोक मैंने भी बसी था। से दिन से महात्मा कहले, जानिच सकल घटे नारायण गोविंद बसंती अनादिकारण गोविंद। सकल घटे नारायण बसंती अनादिकारण, तेणु अनादि कारण जो भगवान नारायण प्रतिटी जीवात्मा हृदय रे से वास करती, तार प्रत्येक जीवात्मार शरीर रे से अंतर्ज्यामी रूप से वास करती। तेणु तत्वतः समस्ते से नारायण स्वरूप, किंतु व्यवहारिक दृष्टि नारायण नारायण आमे तंक चरणारविंदर दास। तेणु एक जितेबले तत्वतः व्याख्यान करूले सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण, समस्ते सुंदर भाव शुणुले, किंतु गोटे लोक सेठी बसी सी भी सबुदिन आसती किंतु तर बुझार क्षमता न थाए, सी सब कथा को ओलटा पलटा अर्थरे सब बुझी दिंती, केत एकतरफा भी बुझी दिंती। तेणु एमती से ही क्रमर दिन प्रसंगे सी जो ये प्रसंगटा व्याख्या करूँगी सी जहाँ बुझा कौन बुझे भगवान जानती मुंडे पशिला प्रवचन सत्र सुंदर भाव निजर अंतिम समय चरम सीमा आड़ को गतिगला। समस्ते बाहर एवं कि शुष्क सुखिला प्रसाद बंटन है, समस्ते प्रसाद नहीं कि गले। तबे से ही समय से घर को फेर था, घर को फेरुवा समय रे से कौन है ना से कथा मन मन भागु था, सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण, सकल घटे नारायण समस्त देहरे नारायण अच्छा बसंती अनादि कारण भावि भाविक जाऊँगी। सामनारू गोटे विराट बड़ हाथीटे आसर गोटे महुंतटे बसी, हाथीटर किसी चालीचलन स्वाभाविक न थाए, हाथीटी जोर रड़ी करू थाए,
धम 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 करके पाद पके पके आसुथाए। ये हटात देखिले देखुचंती किंतु किछि प्रतिक्रियांकर होउनि। सेठु माहुं तो कौन करुचंती डाक छाड़ुचंती, अरे उठि जा हाथीटा पागल हो जाइछि, सामनार उठि जा, सामनार उठि जा, पळा पळा पळा। ये आउ किछि शुणिबाकु नाराज, ये बसिक भावुचंती सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण। एमती भाबु भाबु हाथीटी पाखकु पाखे पाखे आइला। माहुं तो आहुरी जोर जोर रड़ी कले, अरे लोक, अरे भाई कौन तुम शुभुन कि तुम कान ना, उठि जा सामनार उठि जा, हाथी पगल हो जाए, मुझे नियंत्रण करने को चेष्टा करुच्ची, सामनार उठि जा, लुचि जा, जी जुआड़े अच पोला पोला, तुम कहीं सामने ठिया हो, धीरे धीरे कौन चली चलिक आसुच याड़ पोला, से आड़ पछकू पोला, क्या घर लुचि जा, कुआड़े पोला। कौन बारंबार ये तो भोल हो भावुंट कौन बुझी भगवान जानती। हाथीटी आसला गोटे गोईठा पकेला धरिक, सेठ से कौन कले किछि बाट दूरेक खंडे बाट जनक बारी रे जाई पड़े। जमी दूरेक बारी रे पड़िले खंडिया खबरा हेले अंटा पिठी दरज हो गला। कहले हो कि कष्ट भारी कष्ट मष्टे उठिले। सेठ उठिला परे जाई कहे मन मन भावुचंती, से महात्मा आज विराट बड़ भूल कथाटे कहले, भारी भूल कथा कहले, ना यह केवे सत्य नुह, सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण, ना ना पूरा सत कथा नुह। गले कले मुझे पचारू कष्ट मष्टे उठिले, देह हाथ किसी खंडिया होता है, अंटा पिठी दरज होता है। उठिकी कष्ट मष्टे उठिकी गले पाख को देखा कले, कहे आज्ञा आपण गोटे भूल कथ आज बुझेले। कहे कौन भूल कथा बुझेली, कौन तुम किए तुम परिचय टी दि ना, मु प्रतिदिन आपण को सत्संग शुणा को आऊँगी, आज आसते आज गोटे कथा आप कौले सकल घटे नारायण समस्त देहरे नारायण अच्छा बसंती अनादि कारण, आज अनुभव कली किसी ओलटा अनुभव है मोर भारी क्षतिग्रस्त है से अनुभव को लेकिन, अरे कौन कौचु कथाटा खोलिकी कह, आते बुले बंके कौन कौच कौनटा तो बुझीपारे कौन हो कह ना ना आज मुझे आपड़ कहले समस्त देहरे नारायण अच्छा आली चली जाऊली सामनार गोटे हाथीटे आसुला से हाथी भितर भी नारायण अच्छा कि नहीं कहतु हाँ अच्छा तेल से हाथी किमी मत एम गोईठाटे पकड़े नारायण मो देहर भी नारायण अच्छा कि नहीं कहतु हाँ अच्छा तेल सीए जदि नारायण मुझे नारायण से नारायण किमी नारायण गोईठा मारे और सीए ता शरीर जब नारायण अच्छा मो शरीर जब नारायण अच्छा तेज सी केमी शरीर द्वारा ता गोड़ द्वारा मत कमी आघात कला फोपाड़ी देला मत कमी कष्ट कष्ट कहीं मिलला मत तो ठीक नुह कहले ओ हो एमती घटना घटी तेल कछा आउ किए थे सीठी खाली हाथी थी तमें थी नाई आउ गोटे लोक गोटे लोकटे बस महूं तो बसला ओहो महूं तो बसला सी कौन कौला सी कौला हाथी पगल हो जाए पोलाओ 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 मु तो कहली ना मु तो बुझी नकल घटे नारायण नारायण को आघात देवे मुझे किसी शुणिल कहले अच्छा जदि हाथी भितर नारायण अच्छा तुम अनुभव कल विचार कल तुम भितर नारायण अच्छा अनुभव कल से माहुं तो भितर थिवा नारायण को अनुभव कर पारे कहले रे हे सत कथा तो मुझे भावनी माहुं तो भितर भी नारायण अच्छा तेबे से माहुंत भितर थिबा नारायण जेतेबेले हाथीटी पगल हो जाए हाथी भितर थिबा नारायण तुम आड़ अग्रसर होउथुले तुम आराम जाउथुलो से माहुंत भितर थिबा नारायण तुमको बारंबार चेतई देउचंती सामनारु घुंची जा ये हाथी पगल हो जाए तुम माहुंत रूपी नारायण कथा काहे सुनिलनी कहले हे सत कथा तो कहले तुमर बुझिबार भूल अच्छी कोउ कथा कोउठी शास्त्र वचन केबे भूल नुह तेबे तुम्हें ठीक रे बुझिबा दरकार एवं तत्वतः समस्त भितर नारायण अच्छा एक सत किंतु व्यवहारिक दृष्टि आम साधारण जीवात्मा आम कर्तव्य अकर्तव्य को विचार कर सब कथा निर्णय करवा उचित तेबे हाथी भितर नारायण अच्छा सत किंतु जेहेतु सी शरीर में अच्छी से शारीरिक दृष्टि पगल हो जाए तार मानसिक स्थिति बिगड़ जा तो से क्षेत्र में से माहुंत भितर थिवा नारायण सचेतन तुमको करुचंती सामनार उठि जा द्वारा तुम्हें क्षतिग्रस्त हो किंतु तुम्हें ठीक रे न बुझी कारण मत तो दोषारोप करुच शास्त्र को निंदा करुच शास्त्रीय वाणी को निंदा करुच आज
तुम हैरान हरकत होच शारीरिक कष्ट भोगुच। से बुझिपारे निजर भूल एवं क्षमा मागिले एवं से दिन ठूँ निर्णय कले ना ना मुझे ठीक रे सब कथा बुझाक चेष्टा करी। तेणु दर्शक बंधु आमे सहीपरि भाव से ही चाणक्यंकर कथा को मन पकेबा यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किं लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किं करिष्यति। आमे निजर बुद्धि विवेक को खटे शास्त्र स्वाध्याय करिबा शास्त्र को अध्ययन करिबा एवं एपरि भावरे आमे यथाजथ भावरे तार प्रकृत सिद्धांत को बुझिपारिबा एवं निज जीवन रे ताकु प्रयोग करिपारिबा। तेणु आपणंकर प्रभात आज मंगलमय हो महाप्रभु चरणारविंद प्रार्थना पुणी आसंता अध्याय आपण सहित साक्षात हो से पर्यंत विदाय दिंतु। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जदि आपण जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। ऑडियम क्लिनिक सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग एठारे शिशु वयस्क मानकर श्रवण यंत्र वाटरप्रूफ श्रवण यंत्र स्पीच थेरापी और श्रवण परीक्षा उपलब्ध। मोबाइल नंबर 8050604137 9337868504। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।